नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीकर बन इंग्लिश में। दोस्तों, लाइफ में हमें बहुत बार इन तरीकों के सेंटेंसेस का यूज़ करना पड़ता है। जैसा कि अगर मैं कहूँ, ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो, ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान मत करो मुझे, तो दोस्तों ये ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, इन तरीकों के सेंटेंसेस का हम यूज़ अपनी डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इन तरीकों के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में किस रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म कर सकते हो, फिर उन्हें अपनी डेली कन्वर्सेशन में आप यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आइए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इन तरीकों के सेंटेंसेस में दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होती है वो ये होती है कि ज़रूरत से ज़्यादा के लिए आप यूज़ करते हैं मोर देन इनफ। क्या यूज़ करते हैं दोस्तों? मोर देन इनफ। अब दोस्तों रूल देखिए, बहुत ही सिंपल है, सेंटेंस प्लस मोर देन इनफ। पहले आपका सेंटेंस जो किसी भी टेंस में हो सकता है, जिन्हें सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता, मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों आप हमारे पुराने टेंसेस के ग्रामर के वीडियोस देखिए ताकि आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीख पाएं, उसके बाद आप ये बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। एग्जांपल देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो, ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो। डोंट थिंक मोर देन इनफ, डोंट थिंक मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ, ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ। डोंट ईट मोर देन इनफ, डोंट ईट मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा मत परेशान करो मुझे, ज़रूरत से ज़्यादा मत परेशान करो मुझे। डोंट बॉदर मी मोर देन इनफ, डोंट बॉदर मी मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा मत हंसो, ज़रूरत से ज़्यादा मत हंसो। डोंट लाफ मोर देन इनफ, डोंट लाफ मोर देन इनफ। आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो। यू आर थिंकिंग मोर देन इनफ, यू आर थिंकिंग मोर देन इनफ। तो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा कि ज़रूरत से ज़्यादा वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस रूल के अकॉर्डिंग आप ट्रांसलेट कर सकते हो और फिर उन्हें अपने डेली कन्वर्सेशन में आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।